colite. Goal number is defined for lyophilic colite, and lyophilic colite is called as protective colite. Definition kya hai iski? Goal number is number of milligrams of protective या lyophilic colite added in 10 ml gold solution. To stop coagulation, if 1 ml NaCl 10% is added, अब देखिए डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हुई है वो समझ लो इसे कि अगर सपोज करो मैं यहां पर एक कंटेनर में 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन ले लेता हूं, मैं यहां ले लेता हूं 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन, अब वास्तव में गोल्ड सॉल्यूशन कौन सा होता है? गोल्ड सॉल्यूशन इज लायोफोबिक इन नेचर, ये हम देख चुके हैं. जैसे हमने देखा था गम, स्टार्च, इन सबके सॉल्यूशन तो कौन से थे? जल्दी घुलने वाले, लायोफिलिक. और जो देर से घुलते हैं, मुश्किल से तैयार होते हैं, उनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? लायोफोबिक सॉल्यूशन. अब लायोफोबिक सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी अनस्टेबल, और अगर मैं इसमें उल्टा इलेक्ट्रोलाइट मिला देता हूं 1 ml NaCl सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10% है, 10% वेट बाय वेट मान लें या वेट बाय वॉल्यूम मान लें, अगर हम गोल्ड सॉल्यूशन में NaCl डाल देते हैं तो हमने कोएगुलेशन टॉपिक पढ़ा है कि प्रेसिपिटेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो गोल्ड के पार्टिकल है उस पर अपोजिट आयन आके एड्सॉर्ब होगा और उसको न्यूट्रल करेगा, और न्यूट्रल होते ही पार्टिकल इकट्ठा होना चालू करेंगे एंड कोएगुलेशन विल टेक प्लेस. ठीक, अब एक्चुअली जो हमने देखा था कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड हम किसके लिए देख रहे थे? लायोफोबिक के लिए. और प्रोटेक्शन करने के लिए कौन आ रहा था? एक लायोफिलिक कोलाइड आ रहा था. तो लायोफिलिक का काम है प्रोटेक्शन, लायोफिलिक का काम है प्रोटेक्शन. किसका प्रोटेक्शन? लायोफोबिक का. किससे प्रोटेक्शन? कोएगुलेशन से. और कब? जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट मैंने मिला दिया. तो अगर मान लो सपोज मैंने इसके x मिलीग्राम मिलाने पड़े मुझे कोएगुलेशन रोकने के लिए, अगर x मिलीग्राम मुझे मिलाने पड़े तो यही x नंबर क्या कहलाता है? दिस इज इक्वल टू गोल्ड नंबर. डेफिनेशन ध्यान से सुन लेते हैं एक बारी और. गोल्ड नंबर इज डिफाइंड फॉर लायोफिलिक कोलाइड. गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एडेड इन 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप कोएगुलेशन इफ 1 ml NaCl इज एडेड. अगर मैं इसे ना मिलाऊं और केवल गोल्ड में मैं NaCl मिला दूं तो कोएगुलेशन होने लग जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा. हमें प्रेसिपिटेशन को रोकना है तो हम एक्चुअली क्या करना है भन? अगर मैं गोल्ड सॉल्यूशन जो कि लायोफोबिक है, मेटल के सॉल्यूशन लायोफोबिक होते हैं क्योंकि पानी में आसानी से नहीं तैयार होते, गोल्ड सॉल्यूशन में अगर मैं NaCl मिला दूं इलेक्ट्रोलाइट तो तेजी से कोएगुलेशन होने लग जाएगा. और कोएगुलेशन कैसे रोका जाता है कि लायोफिलिक का जो कोलाइड है उसके आसपास एक लेयर फॉर्म हो जाती है. ये पार्टिकल कौन सा है? लायोफोबिक. और ये लेयर किसने तैयार की है? दिस लेयर इज प्रिपेयर्ड बाय लायोफिलिक. तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइड. तो गोल्ड नंबर का एक फॉर्मूला है, गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड
upon volume of solution in ml multiplied by 10. 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि 10 ml के हिसाब से डेफिनेशन है, ठीक। तो अगर मान लो ये 10 ml हुआ और इसमें मुझे इसके 2 मिलीग्राम ऐड करने पड़े तो गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा, 2। लेकिन सपोज अब इसको आप ऐसे समझो कि 10 ml के लिए 2 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है कोएगुलेशन रोकने के लिए। अगर मैं 10 की बजाय इसे 100 कर दूं तो फिर कितना चाहिए होगा, 20 चाहिए होगा, 10 गुना हो जाएगा। तो इस पे एक मान न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो मैं अभी बताता हूं। प्रोटेक्टिव पावर की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। इसको मैं कैसे समझ सकता हूं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल मेरे पास दो लायोफिलिक कोलाइड है, इनका गोल्ड नंबर मुझे दे दिया कि एक का गोल्ड नंबर 10 है और 20 है। मुझसे पूछा जाए कि विच हैज मोर पावर, मोर प्रोटेक्टिव पावर, ठीक पावर, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर इज ए। क्यों आएगा, क्योंकि कोएगुलेशन रोकने के लिए ए कितना चाहिए, 10 मिलीग्राम पर 10 ml में, और बी कितना चाहिए होगा, 20। तो जो कम मिलाना पड़ रहा है इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। तो जो कम मिलाना पड़ रहा है यानी जिसका गोल्ड नंबर कम है उसकी पावर ज्यादा, यानी हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड नंबर अगर बढ़ेगा तो उस लायोफिलिक कोलाइड की पावर भी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। और एग्जांपल हमें ये बोल दिया कि इफ 20 मिलीग्राम इज एडेड इन 100 ml गोल्ड सॉल्यूशन, 10 ml 20 मिलीग्राम ऑफ कोलाइड इज एडेड इन 100 ml गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप कोएगुलेशन। हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज गोल्ड नंबर, तो गोल्ड नंबर कैसे निकालेंगे, सीधा आप ऐसे समझ लो कि 100 के लिए कितना चाहिए, 20, तो 10 के लिए कितना चाहिए होगा, 2। तो या तो सीधा ऐसे बोल दूं, ठीक है ना, डेफिनेशन 10 ml के हिसाब से, या फिर हम इस फॉर्मूले में रख दें, कितना मिलीग्राम ऐड कर रहा हूं मैं, 20, कितने में ऐड कर रहा हूं, 100 ml में, इनटू क्या कर दूं मैं, कितना जाएगा, 2, और 2 ये गोल्ड नंबर, यानी पर 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में, पर 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में जितने मिलीग्राम ऐड कर रहे हैं वही नंबर क्या कहलाता है, गोल्ड सॉल्यूशन। 100 में मिलाना पड़ रहा है 20, तो 10 में मिलाना पड़ेगा 2, वही 2 क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर। और जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, यानी वो ज्यादा मिलाना पड़ रहा है कोएगुलेशन रोकने के लिए।